हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ एक्सेल वीबीए। इस वीडियो में आज हम विंडोज़ एपीआई फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन का नाम है स्लिप फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है विंडोज़ एपीआई होता क्या है। विंडोज़ एपीआई विंडोज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस या सेट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डेट आर अवेलेबल टू विंडोज़ प्रोग्रामर। यानी विंडोज़ एपीआई जो है इसमें कुछ हमारे पास एक कुछ फंक्शंस जो डिफाइन होते हैं विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि विंडोज़ प्रोग्रामर के लिए अवेलेबल हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से कि एक है स्लिप फंक्शन। आज हम इसी फंक्शन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली क्या होता है वीबीए में, मान लीजिए आप कुछ करना चाहते हैं वीबीए में मगर आप कुछ कर नहीं पाते हैं, जो कि है मान लो आपको एक मिली सेकेंड को कैप्चर करना है आपको वीवीए में, आप कैसे कैप्चर करोगे? क्योंकि मिली सेकेंड आप जो है वीवीए में कैप्चर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास कैप्चर करने के लिए आवर है, मिनट है, सेकेंड है, और एक हमारे पास एक है टाइमर। टाइमर से क्या होता है कि आप टाइमर ये बताता है आपको कि मिडनाइट से कितने सेकेंड्स पास हो गए हैं। तो मिली सेकेंड कैप्चर करने के लिए हमारे पास विंडोज़ एपीआई फंक्शन है जिसका नाम है स्लीप। तो हम कुछ इसमें होता है कि स्लीप में क्या होता है, स्लीप में बेसिकली ये आपका जो फंक्शन है, जो आपने जो जो आपका जो कोड है बेसिकली आपको वहाँ पे कुछ समय के लिए रोक देता है। समय डिपेंड करता है कि आप इस पर कितना टाइम देते हो, उसी टाइम के अकॉर्डिंग ये रोक देता है, मिली सेकंड में उतना रोक देता है ये। तो इसी पे हम बात करेंगे आज विंडोज़ एपीआई फंक्शन पे। तो इसमें कुछ तीन पॉइंट जो हमें याद रखना होगा। विंडोज़ एपीआई फंक्शन का नाम है जो हमें फंक्शन का नाम जो हमें डिक्लेयर करना होता है, पहले उस फंक्शन का नाम देंगे हम, उसके बाद किस लोकेशन में विंडोज़ एपीआई की पढ़ाया हुआ, कौन सी लाइब्रेरी हम यूज़ करना चाहते हैं वो आप ये दे सकते हैं, उसके बाद जो इसके जो आर्ग्यूमेंट्स है वो हमें आर्ग्यूमेंट देना होता है इसमें। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ आपको प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाऊँगा इसमें विंडोज़ एपीआई फंक्शन का। तो आइए हम चलते हैं आप अपने मॉड्यूल की तरफ। मेरा मॉड्यूल ये है, तो इसका जो कीवर्ड होता है पहले डिक्लेयर करने का मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो पहले जो कीवर्ड होता है डिक्लेयर करने का, इसमें हमें टाइप करना होता है पहले जो कीवर्ड होता है डिक्लेयर, उसके बाद हमें यहाँ बोलना होता है सब प्रोसीजर, उसके बाद हमें फंक्शन का नाम क्या है स्लीप, उसके बाद कौन सी लाइब्रेरी में लोकेटेड है ये हमने बोला, कर्नल लाइब्रेरी, कर्नल 32 यह हमें देना होता है लाइब्रेरी का नाम जिस लाइब्रेरी से हमें फेच करना है। उसके बाद हमें इसके जो पैरेंथेसिस ओपन में इसके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हमें वो पास करना होता है, बाई वेल हमें पास करना होता है। बाई वेल में हमें लिखना होता है डी डब्ल्यू मिली सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद एस लॉन्ग हमें देना होता है, राइट। तो इस जो मैं इसको बताया था एक बार, डिक्लेयर हमारा पहला कीवर्ड है। आप डिक्लेयर से पहले आप कुछ भी लगा सकते हो, पब्लिक लगा सकते हो या फिर आप प्राइवेट लगाओगे तो सिर्फ ये इसी मॉड्यूल में ही काम करेगा, पब्लिक आप किसी मॉड्यूल में काम कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, राइट। तो डिक्लेयर मैंने डिक्लेयर किया, प्रोसीजर है मेरा एक स्लीप का है, जो कि कौन से कर्नल 32 लाइब्रेरी में है, और इसमें जो आर्ग्यूमेंट है हमको मिली सेकेंड पास करना है कितनी, हम यानी इसका मतलब ये है हम कितने मिली सेकेंड से जो हमारा जो प्रोग्राम है उसे पॉज करना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है यूज़र इनपुट पे, यानी हम क्या यूज़र इनपुट देना चाहता है, राइट। मान लो मेरे पास मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको मेन एग्जाम्पल दिखाऊँगा, मेन एग्जाम्पल कैसे काम करता है ये। मान लो मैं प्रोसीजर डिक्लेयर करता हूँ सब यूज़ ऑफ स्लीप एपीआई, मैंने एक रेंज दिया डिम, माई रेंज एज रेंज सेट माई रेंज इज इक्वल टू सेलेक्शन, राइट। एंड मैंने बोला एक और मैं एक काउंटर वेरिएबल लेता हूँ डिम आई एज इंटीजर फॉर आई इज इक्वल टू 1 to माई रेंज डॉट काउंट, यानी जितना भी सिलेक्शन करूँ वहाँ तक चले वो नेक्स्ट आई, ठीक है।
मान लीजिए मैंने ये सिलेक्शन किया है तो ये इतना ही चलेगा, इतना या इन्हीं रेंज में ये सिर्फ काम करेगा। मान लीजिए मैंने इसको बोलता हूँ माई रेंज पैंतीस ओपन आई डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू, मैंने बोला वर्कशीट फंक्शन डॉट रैंड बिटवीन 1,2 इज़ द पावर 24-1। उसके आगे मैंने लिख दिया इसमें स्लीप, और मैं इसको टाइम देना चाहता हूँ कितने मिली सेकेंड से मैं इसको रोकना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको 100 मिली सेकेंड दिया है मैंने रोकने के लिए। अगर मान लीजिए मेरा ये है इसको अगर मैं सेलेक्ट करके रन करता हूँ, क्या करेगा बेसिकली ये जो मेरा है ये सिलेक्शन, मेरा माई रेंज है, हर एक रेंज में जाएगा ये, उसमें जो ना जिसमें रैंडम कलर पिक करेगा। यहाँ से रैंडम कलर ये है, मैंने आपको इसके बारे में आपको मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। रैंडम कलर पिक करके देगा मेरे को जो कि इंटीरियर जो कलर होगा इसका, इसमें कोई सा भी रैंडम कलर एक पिक कर देगा। कलर कलर पिक करने के बाद कुछ वेट करेगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा, फिर पिक करेगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा, ऐसे करेगा। मैं उसको रन करता हूँ तो देखा आपने, तो ये जो है इस तरह से जो है ये काम करता है। मान लीजिए मुझे इसको वेट थोड़ा बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप 100 की जगह 200 दे सकते हो। यहाँ एक बात ध्यान रखना है, जो ये DW मिली सेकेंड है ये हमारा जो है एक इंटीजर रहेगा, इसमें डेसिमल वैल्यू आप नहीं ले सकते हो। मान लीजिए मैंने वेट बढ़ा दिया, देख रहे हो आप कैसे काम कर रहा है, रुक रुक के काम कर रहा है। तो ये तो है आपका, मान लीजिए अगर आपके पास Windows 32 है, ये आपके पास मान लीजिए सॉरी एक्सेल का 32 वर्जन है आपके पास, 32 बिट वर्जन है, ये तभी पॉसिबल है। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन अ यूज़र हैज़ Win32 Excel वर्जन। अगर आपका एक्सेल का वर्जन Win32 है तभी आप ये कोड काम करेगा। मान लीजिए अगर आपके पास 34 बिट का वर्जन है एक्सेल का, तो अब ये काम तो उस केस में कोड काम नहीं करता ये। तो मैं उसके लिए भी मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ। मैं उसमें आपको दो लाइन ऑफ कोड है वो आपको डिक्लेयर करना होता है। सिंपली आप हैशटैग दीजिए, हैशटैग के बाद आप टाइप कीजिए इफ VBA7 देन, इट मीन्स अगर आपका वर्जन 2010 या उससे ऊपर है, अगर आप एक्सेल का जो आपका एक्सेल बिट का जो वर्जन है आपका 64 है, तो उस केस में क्या हो, मैंने उसको बोला डिक्लेयर PTR सेफ, ये कीवर्ड है आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने बोला सब, उसके बाद आपको सीधा ये टाइप करना है जो मैंने यहाँ पे लिया है, आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। स्लीप यहाँ पे जो आपने एज ए लॉन्ग दिया हुआ है सो कंट्रोल स्पेस के लिए लॉन्ग PTR कर दीजिए आप इसे। जब आपका एक्सेल का 64 बिट वर्जन हो तो ये काम करे, एल्स सॉरी इसके आगे आपको हैशटैग देना है एल्स। अगर आपका 32 बिट वर्जन है तो ये काम करे, राइट हैशटैग एंड इफ। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, ये मेरा सब कुछ लेट मी चेक है सेम है, सब कुछ करेक्ट है या नहीं है। जी हाँ, इसके आगे आप डिक्लेयर करता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, पब्लिक भी लिख सकते हो। पब्लिक मान लीजिए मैं लिख देता हूँ पब्लिक, अगर आप किसी मॉड्यूल में रन करना चाहते हो तो आप पब्लिक या प्राइवेट भी आप लिख सकते हो। पब्लिक की जगह प्राइवेट लिखोगे तो इसी मॉड्यूल में सिर्फ रन करेगा। ये है मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास ये है डेटा, इसको कलेक्ट करना चाहता हूँ। देखा ये क्या कर रहा है, बीच में एक पॉज दे रहा है ये एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो आइए मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ उसमें। मैं एक और आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सब बोला एक सेकेंड, मेरे पास मैं एक है जो एक बटन ड्रॉ करता हूँ पहले यहाँ पे,
मैंने इसको एक शेप लिया, शेप में आने के बाद मैं इसको रेक्टेंगल लेता हूँ। रेक्टेंगल में आने के बाद मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग किया, इसको मान लीजिए मैं कुछ थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ये दिया मैंने कर दिया। अगर मैं इसके यहाँ पे इंसर्ट में आता हूँ, होम में आता हूँ, होम में आने के बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ मोर कलर में, मोर कलर में अगर आप मान लीजिए मैं कुछ भी कलर इसको देता हूँ, मान लीजिए मैंने ये कलर देता हूँ सो राइट ओके गया, तो इसका ये इसने ये जो कलर है इसने इसको चेंज कर दिया है इसका बटन का। मान लो अगर मुझे इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम करनी है, ऐसे करनी है मुझे 1 to 100 के बीच में ट्रांसपेरेंसी कम करनी है और गैप करना है मुझे इसे, तो कैसे होगा ये? ट्रांसपेरेंसी फ़िलहाल मैं इसकी बढ़ा देता हूँ जितना पहले था ओके किया राइट। तो मैं इसको फ़िलहाल नेम दे देता हूँ, मैंने बोला आइकन दे देता हूँ राइट। ये मेरा शेप का नाम हो गया आइकन ठीक है। तो मैं इसमें आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ दिखाने वाला हूँ आज। मैंने बोला फेड अंडरस्कोर आइकन, मुझे इसको आइकन को जो है रिमूव करना है, फेड करना है राइट। पहले मैं एक काउंटर लूँगा डिम आई एस इंटीजर, जो मेरा 1 to 100 तक था जो ट्रांसपेरेंसी उसके लिए लिया मैंने ये, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे सीधा बोलूँगा एक्टिव शीट डॉट शेप्स, मेरा जो शेप का नाम है आइकन, पहले तो विजिबल हो, विजिबल इज इक्वल टू ट्रू राइट। उसके बाद मैं इसमें रूप चलाऊँगा फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 100, सॉरी फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 100 नेक्स्ट आई ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो मुझे कम करनी है। उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कैसे होगी, इसका एक मैं एक आपको बता देता हूँ मेथड, इसका एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं, एक्टिव शीट डॉट शेप, शेप का नाम दीजिए आइकन डॉट फिल डॉट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय 100। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये फर्स्ट टाइम लूप चलेगा 1 डिवाइड बाय 100 0.1 0.01, जब नेक्स्ट टाइम चलेगा 2 डिवाइड बाय 100 0.02, ऐसे करके काम करेगा राइट। तो जब तक ये 1 नहीं हो जाता तब तक इसकी ट्रांसपेरेंसी है वो कम होती रहेगी, जब तक इसको 100 वैल्यू नहीं मिल जाती तो इसकी ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो यही मैंने इसमें अप्लाई किया है, मान लीजिए मैं इसमें लगा देता हूँ स्लीप, मान लीजिए मैंने 50 लगा दिया, उसके बाद डू इवेंट्स लगाया मैंने, डू इवेंट्स क्या काम करते हैं, डू इवेंट्स बेसिकली क्या करता है, ये जो आपका जो मैक्रो है इसमें बीच को मैं पॉज कर देता हूँ और आपका जो स्क्रीन है वो रिफ़्रेश करता रहता है वो। तो इससे क्या होता है, जो हमारा जो यूज़र होता है, यूज़र आप जो मॉड्यूल और जो आपका करंट जो कोड चल रहा है उसमें भी काम कर सकता है, और जो अलग अलग में जो अलग से जो विंडो ओपन हो रखे हैं उसमें भी काम कर सकता है ये। तो एक तरह का पॉज करके रिफ़्रेश करता रहता है पेज, स्क्रीन जो होती है आपकी वो रिफ़्रेश करता रहता है, जो भी आपके एग्जीक्यूशन जो पेंडिंग होती है, मान लीजिए कोई इवेंट चल रहा है, जैसे ये मैं अभी एक इवेंट चलूँगा, इवेंट अभी रन करूँगा इसी इवेंट को, तो क्या करेगा रिफ़्रेश करता रहेगा पेज बीच में, रिफ़्रेश करता रहेगा तो मैं कहीं और भी जाके काम कर सकता हूँ इसी शीट में राइट। तो डू इवेंट्स का ये काम होता है बेसिकली। अगर मैं इसमें मान लीजिए मुझे इसके उसके बाद मुझे इसका जो आइकन को है एक्टिव शीट डॉट शेप्स आइकन डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स, तो इस ये कोड क्या करेगा, पहले जब ये कोड रन होगा, रन होने के बाद जो ये मेरा शेप है, पहले अभी विजिबल है, मान लीजिए किसी भी तरह से नॉन विजिबल नहीं है, तो ये विजिबल करेगा, पहले विजिबल करने के बाद इसकी जो शेड आउट है, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी वो धीरे धीरे कम करेगा वो राइट।
धीरे धीरे कम करेगा, रुकेगा, फिर कम करेगा, रुकेगा, रिफ़्रेश होता रहेगा, इस तरह से रिफ़्रेश होगा ताकि आप पता नहीं लगा पाओ कि रुक रहा है या नहीं रिफ़्रेश हो रहा है। तो उसके बाद जब एक बार 1 to 100 तक लूप चलेगा, फिर इसके बाद हम बोलेंगे इसे, इसको फेड आउट बोल देंगे, यानी इसको हम बोल देंगे कि जो विजिबल है उसकी फॉल्स हो जाए। तो मैं आप फिलहाल रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ मेरा मतलब क्या है। यहाँ पर देखना गाइस, धीरे धीरे फेड आउट हो रहा है, ये धीरे धीरे हट रहा है ना, फेड आउट हो रहा है, हो गया। मान लीजिए मैं इसको कम कर देता हूँ, और इसका जो स्लीप का जो मिली सेकेंड है वो कम कर देता हूँ। क्या होगा, पहले आया ये, आने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फेड हो रहा है ये, राइट। मान लीजिए मैं और कम कर देता हूँ, 20 कर दिया मैंने, देख धीरे धीरे और फेड हो रहा है, राइट। उसके बाद मान लीजिए मैं इसको फिर मैंने 10 कर दिया, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा ले रहा है। मान लीजिए मैं इसको 5 कर देता हूँ, 5, राइट, 5 कर दिया। तो इस तरह से जो है ये आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसका मैं आपको रियल एक यूज़ बता देता हूँ, आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, आप किधर यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा टेबल बना रखा है मैंने, इसको अनहाइड करता हूँ, अनहाइड, राइट। ये मेरे पास एक टेबल है, मैंने टेबल बना रखा है एक्सेल में, तो फॉर्म फिल कर सकते हो आप, मैंने फॉर्म फिल कर रखा है यहाँ पे, राइट। और मेरे पास एक डेटा है, मेरे पास एक शीट है डेटा का, मैं चाहता हूँ जो भी मैं इसमें एंट्री करूँ वो मेरी वैल्यू यहाँ पे चले जाए, वो सेव हो जाए, ठीक है। जो भी मैं इसमें एंट्री करूँ वो यहाँ पे चले जाए, यहाँ पे ऐसे आ जाए। तो आइए हम इसी बारे में आपको एक नया कोड बना देता हूँ मैं, देखना गाइस बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। इसमें मान लीजिए मैं डिक्लेयर करता हूँ सब सेव डेटा टू अनदर शीट, ठीक है। मुझे कुछ वेरिएबल चाहिए होंगे लास्ट रो डिक्लेयर करने के लिए इसमें, ठीक है। मैं पहले चेक करूँगा कि लास्ट रो क्या है मेरा, तभी उस रिकॉर्डिंग काम करेगा। तो मैंने बोला इसको डिम लास्ट रो एज लॉन्ग, और ये मैंने कहा इसको एक नेम दे रखा है जो कि है माय डेटा रेंज के नाम से, ठीक है। तो मैं इसको बोलूँगा डिम माई रेंज एज रेंज, राइट। और इसके बाद मैं इसकी जो रेंज है मैं सेट कर दूंगा, यहाँ पे बोलूँगा सेट माई रेंज इज इक्वल टू शीट 1 डॉट रेंज, इसको माई डेटा रेंज, यही मेरा नाम है माई डेटा रेंज। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इतना ही सेलेक्ट होगा, ठीक है। ये तो मेरा हो गया। अब मुझे मान लीजिए मुझे लास्ट रो की वैल्यू फाइंड करनी है, लास्ट रो इज इक्वल टू मैंने बोला एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट, जो मैंने बोला शीट 2 डॉट रेंज। बहुत तरीके हैं ब्लास्ट रो डिफाइन करने का, अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि ये मेरे को इजिएस्ट मेथड लगता है जब कोई भी ब्लैंक रो नहीं होता है बीच में, राइट। तो लास्ट रो हो गया, मैंने बोला डीबग डॉट प्रिंट, मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट रो ऑफ शीट टू इज, बोला लास्ट रो प्लस 1, यहाँ पे मुझे एंड परसेंट देना होगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद मेरे क्या कह रहा है, 2 कुछ वैल्यू एंटर किया, मान लीजिए कुछ वैल्यू एंटर करता हूँ तो मुझे लास्ट रो क्या दे रहा है, लास्ट रो इज 7, राइट, लास्ट रो ये रहा मेरा। तो इस तरह से जो है लास्ट रो हमने डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। मान लीजिए मुझे इसका जो एक मैसेज डिक्लेयर हटा देता हूँ, मुझे इसका जो डेटा है यहाँ से कॉपी करके मुझे वहाँ मुझे शीट 2 में ले जाना, तो मैं कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा शीट 2 डॉट रेंज ए एंड लास्ट रो प्लस 1, पहले हमारा डेस्टिनेशन आता है लास्ट रो प्लस 1, ठीक
ठीक है, ये तो हो गया एंड परसेंट। अब मैं दिखाऊंगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। एंड जो हमारा लास्ट क्या है, हमारा है एच है वो, राइट एच, इसको मैं बोलूँगा एच एंड परसेंट लास्ट रो प्लस वन। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू शीट वन डॉट रेंज माई डेटा रेंज, लेट मी ड्रैग इट हेयर, माई डेटा रेंज डॉट वैल्यू। तो आइए पहले मैं आपको लाइन ऑफ कोड समझाता हूँ क्या है ये। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या देगा ये। मान लीजिए मैं इसको रन करता हूँ अभी डिबग मोड में, स्टेप इन टू स्टेप इन टू स्टेप इन टू स्टेप इन टू स्टेप इन टू। अभी क्या है ये, अगर मैं इसको एंटर मारता हूँ इधर, सॉरी टाइम मिसमैच, डॉट एड्रेस, तो क्या दे रहा है मुझे, ए टू टू एच टू एड्रेस दे रहा है। एड्रेस क्या है ये, ए टू टू एच टू, ठीक है, ए टू टू एच टू हमारा ये एड्रेस है, यहाँ जाके पेश कर दे, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है मैंने कोड ये इसको प्रिपेयर किया है, ए टू टू एच टू का एड्रेस है दे रहे, यहाँ पे मैंने डायनेमिक एड्रेस दे रखा है पूरा, राइट। इसको हटाता हूँ, ये हमारा है सेव डेटा टू अनदर शीट, राइट। इसको क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, असाइन मैक्रो करता हूँ, सेव डेटा टू अनदर शीट, ओके। इससे पहले मेरा जो आइकन है ये, जो मैंने यहाँ पे आइकन बनाया था, इसको पहले मैं विजिबल करके उसके पास ला देता हूँ। इसको बोला पहले मैं इसको डिबग करता हूँ, डिबग डिबग डिबग, राइट। मान लीजिए मैं इसको रन करता हूँ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, मैं उसके पास आइकन लेके आऊँगा ताकि मुझे आपको रियल एग्जांपल दे सकूँ, राइट। सॉरी स्टेप इनटू, ये आइकन मेरा आ गया, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे इसके पास यहाँ लेके आना है, मुझे इसको मैं लिखना चाहता हूँ डेटा सेव्ड। अभी आपको नज़र नहीं आएगा, ये मैं रन करूँगा तब नज़र आएगा, ठीक है, मुझे आप देखते रहो। अगर मैं इसको रन करता हूँ अभी, तो मैंने क्या किया, मैंने जो आइकन है मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आया। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो डेटा सेव, राइट। तो मैं कुछ इसमें करने जा रहा हूँ, आपको बता देता हूँ, बता दूंगा मैं जब ये मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। ट्रांसफ़र होने के बाद ये फेड आइकन का जो मैक्रो है वो यहाँ पर नीचे चल जाएगा मेरा, ठीक है। रेड आइकन का मैक्रो चल जाएगा और राइट क्लिक, इस मैंने एक क्लियर का जो मैक्रो बना रखा है वो आपका क्लियर कंटेंट का, यहाँ पे जो है क्लियर कंटेंट हो जाएगा। मान लीजिए मैं कोई वैल्यू एंटर करता हूँ, मैं बोला 100 प्रैक्टिकल आईटी, प्रैक्टिकल आईटी गुड़गांव, फ़ोन नंबर रैंडम कोई फ़ोन नंबर दे दिया मैंने, जेंडर मेल, नो पासवर्ड। अगर मैं इसको इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, जब मैं इसको ये मेरा, मैंने इसको मैक्रो असाइन कर रखा है, मैंने मैक्रो ये वाला असाइन कर रखा है, इसको ये मैक्रो चलेगा, मैक्रो चलेगा, लास्ट रो देखेगा पहले लास्ट रो कौन सी है। लास्ट रो चेक करने के बाद क्या करेगा, डेटा है यहाँ से डेटा उठाएगा, यहाँ डेटा उठाने के बाद यहाँ डेटा पेश करेगा, राइट। उसके बाद मेरा बोलेगा फेड आइकन, फेड आइकन वाला मैक्रो चले, ये वाला मैक्रो चलेगा, मैक्रो क्या करेगा, ये जो मेरा आइकन है यहाँ पे हमारे को दिखा देगा, डेटा सेव होकर फेड हो जाएगा, राइट। मान लीजिए मुझे डेटा सेव करना है, मैं क्लिक करता हूँ, देखना गाइस डेटा मेरा सेव हो गया, ठीक है। हाँ डेटा सेव हो गया, यहाँ पे आ गया मैं, तो यहाँ पे आ गया ऐसे। अगर आप इसे क्लिक कर दीजिए, मान लीजिए मैं एक और दबा देता हूँ, 101 दे दिया मैंने, मैंने इसको बोल दिया जे हेनरी, एड्रेस यूएसए बोल दिया, फ़ोन नंबर कोई रैंडम फ़ोन नंबर दे दिया,
मेल, यस। वे हैव पासपोर्ट, यस आई हैव पासपोर्ट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद मेरे पास आ गया डेटा सेव का आइकन, गायब हो गया धीरे। फिर ये यहाँ जाकर डेटा सेव हो चुका है। तो भाई ये तो एक मैंने जो बेस्ट यूज़ निकाल के लेके आया था, मैं यही यही मेरे को बेस्ट लगा। आपके हिसाब से कुछ और भी हो सकता है इसका? तो मेरे लिए जो एक तरह का जो आइकन जो है फेड हो रहा है ये सेव करते वक्त। मान लीजिए मैं दोबारा सेव करता हूँ तो मेरे पास एक पॉपअप आ गया, पॉपअप धीरे धीरे फेड हो जा रहा है, देख रहे हैं आप? तो जो स्लीप फंक्शन है तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं स्लीप फंक्शन का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है इस वीडियो में तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं ऐसे ही नई नई तरह के वीडियो लाते रहूँगा। अगर आपको कोई टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं है VBA से रिलेटेड, जो आप चाहते हैं कि आप किसी भी टॉपिक पे VBA से रिलेटेड बना सकते हो तो मैं बना सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट आउट कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आप इन्जॉय द शो एंड स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।